नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ, और आज हम बात करेंगे हमारी आंखों से जुड़ी दिक्कतों के बारे में। हमारी आंखों का कमजोर होना हमारी कई दिक्कतों को भी बढ़ा देता है। आजकल हर कोई कंप्यूटर और लैपटॉप पर पूरा पूरा दिन काम करता है, जिसकी वजह से लोगों की आंखें कमजोर होती जा रही हैं। वहीं आजकल की जनरेशन की बात करें तो अब हर छोटे बच्चे के हाथ में आपको फोन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आंखों पर काफी बुरा असर पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि कितने छोटे उम्र के बच्चों को अब नजर का चश्मा लगने लगा है। आंखों की कमजोरी हमारी लाइफ क्वालिटी को खराब कर देती है, और दिन प्रतिदिन के कामों को करने में भी मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसकी आंखों की रोशनी तेज रहे, चाहे उसको जितना भी उसके लिए जतन करना पड़े। आयुर्वेद में भी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं, जिनकी मदद से नेचुरली तरीके से कमजोर आंखों को तेज किया जा सकता है। इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपकी नजर के चश्मे को हटा सकते हैं और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। कमजोर आंखों की रोशनी वाले लोगों के लिए बादाम, काले मिर्च और शहद के मिश्रण काफी फायदेमंद साबित होता है। आपको बस सुबह उठकर 4-5 भिगोए हुए बादाम, 2-4 कुटी हुई काली मिर्च और 1 ग्लास गर्म दूध लेना है, और इसका मिश्रण बनाकर पीना है। ये सभी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा औषधियों में से एक है। इसी तरह आप हर रोज 2-5 बड़े चम्मच आंवले का रस गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसे पीने से आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है, और आपकी आंखें भी हेल्दी रहती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा होती है। इन बताए गए नुस्खों को रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो इससे आपको जल्दी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द आएंगे तमाम हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी टिप्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।